नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो साथी, जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो है क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, जो SSC रेलवे के ऊपर चल रहा है टॉपिक, तो उसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो रहेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो साथियों, अभी हाल ही में जो है यूट्यूब के ऊपर जो है ये देखा गया था कि अभी रविवार को जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कही थी, तो उसके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा जो है डिसलाइक आए गए हैं वीडियो के ऊपर। तो आपने वीडियो में भी देखा होगा काफ़ी सारी न्यूज़ में, तो वही यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पहली बार जो है मोदी जी की मन की बात के ऊपर जो है इतने ज़्यादा जो है डिसलाइक मिले हैं, तो उसका पीछे रीज़न क्या है, तो वही रीज़न को लेकर ही मैं आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। तो हाल ही में जो नीट और JEE की जो एग्ज़ाम की जो परीक्षा चल रही है, जिसका हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, तो उसी के ऊपर जो ट्रेंडिंग चल रहा है कि कोरोना जो है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, और उसके बावजूद भी जो है छात्रों के स्वास्थ्य को ना देखते हुए जो है भारत सरकार जो है एग्ज़ाम करवा रही है। तो उसी के ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि जो मोदी जी ने मन की बात रविवार को बोली थी, तो उसके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा जो है डिसलाइक जो है आ रहे हैं। तो ये जो है उसके बाद जो है JEE और जो है आपका नीट का जो एग्ज़ाम है, उसके ऊपर लगातार जो है ट्विटर वार भी किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो 1 से 6 सितंबर के बीच जो है इसके ऊपर जो है ट्वीट वार चल रहा है। तो आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जब देश के सभी युवा जो है इस भागीदारी में अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं, तो IT के छात्र भी जो है इस मुहिम के साथ जुड़िए, ताकि जो आने वाला भविष्य है आपका भी जो है उज्ज्वल हो सके। क्योंकि साथियों, आपको पता ही है कि जो है SSC और रेलवे के अंदर काफ़ी जो है 1-1.5 साल से जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। आपसे एग्ज़ाम फीस ली जा रही है, हजारों और करोड़ों में जो है सरकार ने जो है फीस के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया है, लेकिन कोई भी भर्ती नहीं की कर रहे हैं। और रेलवे का तो आपको हाल ही में पता ही है कि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो उस स्थिति को देखते हुए जो है सभी देश के युवा आगे बढ़ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस ट्विटर वार पर आप भी जो है IT के छात्र भी शामिल हो, और आप में से भी बहुत से छात्र होंगे जिन्होंने रेलवे के जो है आपने फॉर्म भरे होंगे, तो आपका भी जो है अभी तक ऐसे प्रोसेसिंग भर्ती कुछ भी नहीं हुई है, आपको भी पता है। और जैसे ही निजीकरण हो रहा है, तो आगे जो आने वाला है नौकरियों का सिलसिला, तो वो भी आपके लिए बहुत ही जो है कम रह जाएगा, क्योंकि सारा प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा, तो नौकरियां कितनी बचेंगी। तो अपने भविष्य को देखते हुए आप भी जो है इस मुहिम में शामिल होइए। तो ये देख सकते हैं #टैग स्टूडेंट जो है डिसलाइक मोदी, ये भी चला हुआ है। और दूसरा जो है आपका एक और ट्रेंड वार जो चला हुआ है, वो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, तो आप उस पर भी जो है सारे जो ट्विटर के माध्यम से टैग जो है ट्वीट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि देश के बहुत सारे युवा जो है कर रहे हैं। तो आप सभी IT के छात्रों से निवेदन करूंगा कि आप भी इस मुहिम के साथ जुड़िए, ताकि जो है आप अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचा सके, और जल्द से जल्द आप सभी के लिए जो है नौकरियां लेकर आए। क्योंकि सरकार जो है आती है तो बड़े बड़े वादे करते हैं युवाओं को लेकर, खासकर यूथ की बात करें तो, लेकिन यूथ के ऊपर जो है ये सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। वैकेंसी निकालती है फॉर्म के नाम पर जो है बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन आगे उसके ऊपर प्रोसेसिंग कुछ भी नहीं जा रही है। तो एक तरह से आपके साथ लूट खसूट जो हो रही है, तो उसके ऊपर आपको आवाज़ जरूर उठानी चाहिए। तो उसी के मुहिम में जो ये इतवार जो रविवार को जो है मन का बात कार्यक्रम हुआ था सुबह 11 से और 8 घंटे तक जो चला था, और जो अलग अलग माध्यम से TV रेडियो के माध्यम से दूरदर्शन के ऊपर दिखाया गया था, तो इसके ऊपर ये एक लिस्ट भी जारी की गई दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार। जो है BJP का जो चैनल है उस पर भी ये देख सकते हैं आपके 4.84 लाख जो है डिसलाइक आए थे। जो नरेंद्र मोदी जी के नाम से चैनल है उस पर 1.13 लाख, PMO इंडिया पर भी 69 हज़ार, और यहाँ पर PIB पर भी 10 हज़ार, और DD नेशनल पर भी 6 हज़ार जो है डिसलाइक यहाँ पर आए हैं। तो यूथ के अंदर बहुत बड़ा गुस्सा है, तो वही आपको यहाँ पर इन वीडियो के माध्यम से ये डिसलाइक जो दिखाई दे रहा है। तो ये साथियों पहली बार ही हुआ है, और लेकिन ये बात जरूर है कि सबसे ज़्यादा वीडियो भी देखी गई, लेकिन डिसलाइक सबसे ज़्यादा मिला है। तो इसके पीछे मेन रीज़न यही रहा है कि साथियों कि जो अब JEE और NET की जो परीक्षा ली जा रही है, उसके ऊपर ही सबसे बड़ा छात्रों का जो है रोष है, क्योंकि जो कोरोना वायरस के कारण जो है आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो उसी का जो रोष है छात्र जो है आपकी ट्विटर के माध्यम से जो है रोष प्रकट कर रहे हैं, और जो
काफ़ी दिनों से जो वैकेंसियाँ रुकी हुई हैं आपके लिए, तो उनके ऊपर भी जो है इसकी मुहिम चलाई गई है। तो आप जितने भी आईटी के छात्र हैं तो इस मुहिम के साथ जो है जुड़िए। तो इसके ऊपर जो है आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, काफ़ी सारी जो है यहाँ पर आपकी ट्रेंडिंग जो वीडियो चली हुई है, और ये ट्रेंड भी मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं जो ट्विटर के ऊपर चला हुआ है। आज की डेट में ये जो है थोड़ा डाउन चला गया है, क्योंकि आज काफ़ी कम जो है स्टूडेंट्स ने इसको ट्वीट किया है, लेकिन कल ये टॉप 3 के अंदर था। तो ये देख सकते हैं, तो आपने भी साथियों जो ट्विटर के ऊपर सिर्फ आपने ये जो हैशटैग लिखा हुआ है यही डालकर आपने जो है अपनी मन की बात जो है ट्विटर पर पोस्ट करनी है। तो हैशटैग आप नोट कर लीजिएगा, हैशटैग स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स, तो ये आपका हैशटैग रहेगा। तो इसी हैशटैग को यूज़ करते हुए आप अपनी जो भी मन की बात है वो लिखकर जो है ट्वीट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए जो है आसान नहीं होगा नौकरी पाना। तो ये बहुत आपका जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आज के समय में जो सोशल मीडिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आईटीआई के छात्र जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इसके माध्यम से आप जो है ट्वीट सभी करें, और इस जो है आपके भागीदारी में जो है शामिल जरूर होइएगा। और इसका जो हैशटैग है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं अलग से दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जो है इसको टैग जरूर कीजिएगा। आप सभी से एक बार फिर निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्वीट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी छात्रों को तक ये सूचना पहुँचे और वो भी इस मुहिम के अंदर शामिल हो, और अपने भविष्य को जो है देखते हुए जो है साथियों आपका कुछ नहीं लगता है, सिर्फ एक आपको ट्वीट ही करना है। जो हैशटैग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट, तो इसको आपने टैग करना है जरूर और ट्वीट करना है जल्द से जल्द। जितना जल्द आप करोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि लाखों के अंदर जो है बच्चे आज इस समय कर रहे हैं, तो आप भी उस भागीदारी में शामिल होइएगा। तो साथियों यही आज का जो मेन जो है टॉपिक था आपको बताना था कि जो पूरे देश का युवा जो है इस मुहिम को छेड़े हुए है, तो अब IT के बच्चे भी इस मुहिम के साथ जरूर जुड़िएगा। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ बने रहेगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद साथियों।